नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिल्ली के सेना हॉस्पिटल से एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने शनिवार को हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि स्वास्थ्य की जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी है। पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिवसीय अपनी यात्रा से वापस दिल्ली लौटे और आज देशवासियों को मन की बात के जरिए किया संबोधित। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर दिल्ली सरकार ने जारी किया ऐलान, अब शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे एकत्रित। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में कल हुए प्रथम चरण के मतदान में शाम 5:30 बजे तक क्रमशः 79.79 और 72.14% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2142 नए मामले आए, जिसके बाद आज 12 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि सचिन वाजे वसूली कर रहा था, लेकिन राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इसकी जानकारी नहीं थी। अमरनाथ यात्रा के लिए 1 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जिसमें कोरोना रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिया जनता कर्फ्यू का संकेत, कहा विश्व के लिए अचरज था वो पल। दिल्ली से वाराणसी आ रहे स्पाइस जेट एयरलाइंस के विमान में एक यात्री ने जमकर किया हंगामा, उड़ते विमान का आपातकालीन द्वार खोलने का किया प्रयास, CISF ने लिया हिरासत में। कानपुर हृदय रोग संस्थान में लगी आग से 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया। यूपी पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित मतदाता सूची को लेकर हुई धांधली, वाराणसी में 1 रुपए की मतदाता सूची 100 रुपए में बेची जा रही है, जिलाधिकारी तक पहुंची शिकायत। बिहार विधानसभा में मारपीट व हंगामे के दोषी विधायकों पर कार्रवाई के लिए आचार समिति को दिया गया जांच का आदेश। हरियाणा के गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा भरभरा कर गिरा, 3 मजदूर हुए घायल, निजी हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। हरिद्वार में प्रशासकों के हवाले होगी त्रिस्तरीय पंचायतें, क्योंकि 29 मार्च को समाप्त हो रहा है प्रधानों का कार्यकाल, चुनाव को लेकर असमंजस है बरकरार। मध्य प्रदेश नवीनतम संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अब हाई स्कूल का परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई और सेकेंडरी परीक्षा 1 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। झारखंड के रांची शहर से सटे कांके में घुसा जंगली हाथी कई घरों में की तोड़फोड़, स्थानीय लोग हुए परेशान, वन विभाग हुआ सतर्क। टेस्ट और T20 जीतने के बाद भारत की नजर आज का मैच जीतकर वनडे सीरीज पर कब्जा करने का है। 66वें फिल्मफेयर अवार्ड 2021 में सपोर्टिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब सैफ अली खान को दिया गया है, उन्हें यह अवार्ड फिल्म तानाजी अनसांग वॉरियर के लिए दिया गया है। तो ये थी मिडडे की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।